हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इट सेज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स। एक पार्टिकल सेमी सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है जिसका रेडियस 10 मीटर है और टाइम उसको लगा 5 सेकेंड्स। आपसे पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो, पार्टिकल ने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया ए से, तो ए से मूव करके वो बी पे पहुँच गया सेमी सर्कल के अलोंग। तो गाइज, सबसे पहले देखो कि हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए ना, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भाई, ए इनिशियल पोजीशन है, बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। ठीक है ना, ए बी मतलब उसका डायमीटर, इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर। ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल है, दोनों का स्ट्रेट से ज्वाइन कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा विच इज़ डायमीटर। तो डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस दे रखा है 10, तो डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई, 20 मीटर आ गया। टाइम कितना गिवन है भाई इस प्रोसेस में, उसको कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड्स लगे हैं। आपसे पूछिए एवरेज वेलोसिटी। तो गाइज, अगेन बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है, 20, और टाइम कितना लगा, 5, तो कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।